हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कैसे कैसेरा इकोसिस M2040 प्रिंटर को नेटवर्क पर इंस्टॉल करते हैं, कैसे लैन पर उसको इंस्टॉल करते हैं और प्रिंटर को नेटवर्क पर लगा देना है। उसके बाद में प्रिंटर को आईपी एड्रेस आपको असाइन करना है, तो प्रिंटर में आईपी एड्रेस आपको डाल लेना है, जो भी आपका नेटवर्क और लैपटॉप पीसी में जो सीरीज चल रही है उसी सीरीज में आपको आईपी डाल लेना है। उसके बाद में गाइस प्रिंटर के ड्राइवर्स डाउनलोड कर लेने हैं। ड्राइवर्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कैसे इसको नेटवर्क पे इंस्टॉल करते हैं। गाइस सबसे पहले आपको जहां पे भी अपने ड्राइवर डाउनलोड किए हैं वहां उसको अनजिप करके उनका फोल्डर जो मेन ड्राइवर है वो ये वाला ड्राइवर आपको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। इसमें नीचे नीचे सेटअप फाइल है, इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे, रन हो रहा है। इसके बाद में एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में एक्सप्रेस इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। इसमें गाइस आपको यहाँ पे जो भी आपका जो नेटवर्क में प्रिंटर लगा हुआ है वो ये होना चाहिए कि सेम नेटवर्क होना चाहिए, जैसे 192 की सीरीज अगर आपके लैपटॉप डेस्कटॉप में है तो प्रिंटर को भी वही आईपी आपको देना है। तो यहाँ से हो जाएगा, उसको सेलेक्ट करना है, आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है, बाद में फिर ये ओके कर देना है। उसके बाद में गाइज आपको अगर प्रिंट टेस्ट पेज देना है तो प्रिंट टेस्ट पेज पर टिक करेंगे, अगर सेट एज डिफॉल्ट करना है तो इसको टिक मार्क लगा रहने देंगे कि नोटिफिकेशन को ऑफ कर देंगे, चाहो तो इनको के साथ में फिनिश कर देना है। के बाद में गाइस जिसका जो प्रिंटर का ड्राइवर है वो इंस्टॉल हो चुका है, इसको क्लोज कर देंगे, यस करेंगे और ये इसको क्लोज कर देंगे। गाइस जिसके साथ में इसका स्कैनर है उसका भी ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए ये ड्राइवर का जो सेटअप है उसको रन करेंगे, इसका फोल्डर है इसको ओपन करेंगे, क्यूसेरा क्यूक स्कैन नाम से एम फोल्डर में जाएंगे, इसमें नीचे नीचे सेटअप फाइल पे राइट क्लिक करेंगे, इस पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर लेंगे, यस क्लिक करेंगे। उसके बाद में साइड गाइज ये एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, इसमें एक्सप्रेस इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और इसमें भी गाइज आपको जब अपना जो नेटवर्क में प्रिंटर लगा रखा है उसका आईपी एड्रेस साथ में वो आपको यहाँ शो कर जाएगा, उसको सेलेक्ट करके इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। इस पर मैं इनको नीचे वाले जो टैब्स है इनको अनटिक कर दूंगा, ओनली कैसेरा क्यूक स्कैन को टिक मार्क रख दूंगा, ओके कर दूंगा, वो फिनिश कर दूंगा। इस प्रकार से गाइज ये स्कैनर का ड्राइवर भी इंस्टॉल हो चुका है, इसको क्लोज कर दूंगा, यस करूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा। और गाइज इस प्रकार से आप गाइज अपने जो कैसेरा इकोसिस 2040 प्रिंटर है इसको आप लैन नेटवर्क या नेटवर्क में भी इस प्रकार से आप इंस्टॉल कर सकते हो। प्रिंटर में जाके देखेंगे तो प्रिंटर्स में ये इसका ड्राइवर आ चुका है, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इसमें प्रिंटिंग प्रेफरेंस में जाएंगे, इसमें आपको अगर A4 साइज पेपर डिफॉल्ट रखना है तो A4 साइज कर लेंगे और यहाँ पे इसको A4 पे क्लिक करके ओके कर देंगे और यहाँ से इसकी डुप्लेक्स वगैरह की सेटिंग है वो आप ऑन कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट ऑफ है, वो स्पेसिफाई प्लेन पेपर सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। वो टेस्ट पेज प्रिंट करके मैंने बार चेक कर सकते हो आप, ओके कर देंगे, ये प्रिंट आ चुका है गाइज। और इस प्रकार से गाइज आप अपने कैसेरा प्रिंटर को नेटवर्क पर बड़ी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। आपके मन में कोई भी सवाल है इस प्रिंटर को लेके
इंस्टॉलिंग में या कुछ इश्यू आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका 100% प्रयास करूंगा जवाब देने की। और आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके सब्सक्राइब करें इसी वीडियो के लिए। और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।